करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यही 10 भाग हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए इसमें से पहला नंबर क्वेश्चन जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। सर 10 नंबर क्वेश्चन में प्लस छूट गया, वहां पे प्लस छूट गया है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे 10 एक सौ बारह लाना होता है, यहाँ पे 2 है, तो हम सोचते हैं भाई कि 5 से अगर लगा देते हैं 5 से तो 5 × 10 हो जाता है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो अगर हम ए को एक्स लिख देते हैं यहाँ पे तो हो गया, तो 5 × 10 एक्स के पावर 2 प्लस गुने प्लस प्लस 5 × 5 एक्स, और इसको हम लोग घटाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और इसको काट देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं -10x है -5x है तो माइनस हो जाएगा, -15x हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये 20 जो माइनस में है इसको उतार देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि आखिर 2 में कितना गुना करेंगे तो 15 आएगा, सबको पता हो गया है कि माइनस लगा देते पहले, अब 15/2 लगा देंगे। अब बात रही x की, तो x तो इसमें है ही है तो क्या दे रहा है ना, तो जब हम इससे इसमें गुना किए तो -15x आ गया, और इसी से अगर 1 में गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर उतने रहता है, 15/2 ही आ गया। अब घटाते हैं तो घटाने के लिए चीज बदलना पड़ता है, तो माइनस का जाता प्लस, माइनस का जाता प्लस, और ये आपका कट जाता है, और यहाँ पर बटा पर घटाव करना पड़ेगा, इसको आप रफ में यहाँ पे कर सकते हैं कि 20 और प्लस 15/2 यहाँ लिख दीजिए, और इसको आप क्या कीजिए लघुत्तम निकाल के हो जाएगा आपका -40 और प्लस 15, और 40 में से 15 कट जाता कितना हो जाएगा 25/2 और ये माइनस में होगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए -25/2 लिख दीजिए, ये हो गया आपका सेम। अब भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें अब एक सही नहीं है, इसमें एक है तो इसमें एक सही नहीं है खाली अंक, तो अब भाग नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें लाना है, देखिए यहाँ पे लाना है 10 और यहाँ पे है 2, तो आप क्या करते हैं कि 5 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 5, और पावर देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे पावर एक एक है ना, तो पावर 1 है तो इसको कर देंगे पावर 4, पावर 4 जैसे करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा 10, एक्स के पावर 4 वो एक हो जाएगा 5 गुना, फिर हो जाएगा प्लस अगुने प्लस, तो प्लस हो जाएगा 5 × 5 = 20, एक्स के पावर हो जाएगा 4, वो 4 है तो 4 ही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें, में तो एक सही नहीं है। अब घटाने की बात है तो चीज बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब ये दोनों देखिए प्लस में हो गया माइनस में हो गया तो कट जाता है, और ई देख रहे हैं ई भी प्लस में माइनस में ई भी कट गया, संयोग है ई भी कट गया, दोनों कट गया, कभी कभी दोनों कट जा रहा है, ठीक है अच्छी बात है। अब इसको उतारेंगे -30x², अब ये उतारे हैं क्यों है तो जो लिख देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ पे तो भाग लगाएंगे 2 को है, यहाँ पर हम एक अंक लिखे और ऊपर तो उतार लेंगे, अंक गणित में नियम होता है क्या कि एक से 2 उतारिएगा तो 0 देख के तब उतारा जाता है, बीज गणित में ऐसा नियम नहीं होता है, आपको जब मन ऊपर से उतार सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मगर अंक गणित में ऐसा नहीं उतार सकते हैं, अंक गणित में नियम होता है एक बार में एक एक उतरेगा और कम पड़ गया तो फिर 0 दे के भागफल में तब उतारते, याद आया ऐसा नियम होता है अंक गणित, ये आप पढ़ रहे हैं बीज गणित, तो यहाँ पे फिर हम इसको भी उतार देंगे। अब हम फिर भाग लगाने के लिए सोच रहे हैं कि भैया हमको लाना है यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगाना है तो पहले हम माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, और लाना है 30 तो 2 में क्या गुणा करेंगे 30 आएगा 15 आ गया, और एक के पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक के पावर 2 लगा देंगे ताकि 2 × 1 3 हो जाएगा, है ना, 2 लगा देंगे। अब हम उसे गुणा करेंगे -×+−, 15 × 30 एक्स के पावर 2 हुआ है वो कितना हो गया आपका 3, फिर देखिए -×+−, 15 × 4 = 7,
एस के पावर अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे, घटाने के लिए बदलते हैं माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया मगर ये जो है ना घटेगा तो हो जाएगा प्लस बीस एक्स स्क्वायर। अभी भाग लगेगा इसमें तार, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, पावर यहाँ पे एक है यहाँ पे पावर दो है ना तो भाग लगेगा, पावर जब यहाँ कम जाता है तब भाग लगना बंद हो जाता है। आप समस्या है कि दो हुआ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा देखे बनाएंगे तो बनेगा अपने यहाँ बनेगा। अब जब क्या करने जा रहे हैं पिलाना है बीस, तो बीस लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग दस से गुना करेंगे और एक्स के पावर यहाँ दो है यहाँ पर एक्स है तो ये एक्स से गुना करेंगे। अब जैसे गुना करेंगे प्लस गुने प्लस तो प्लस हो जाएगा, दस गुना हो जाएगा आपका बीस, एक्स के पावर यहाँ पे एक और एक हो जाएगा आपका दो। मनियम पता है जब आप इस चीज को इसमें गुना किए हो तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि दो है, तो चार से गुना करोगे तो दस चौका चालीस हो जाएगा, दस चौका चालीस एक्स, कोई बात नहीं है आप यहाँ माइनस चिन्ह बदलिए माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये यहाँ उतर जाएगा कितना जाएगा माइनस चालीस एक्स। फिर बात आ रहा है कि भैया वहां एक्स वाला है यहाँ पे एक्स वाला है अभी और भाग लगेगा तो एक बार हम और लगाएंगे और क्या लिखेंगे वहां पे, तो बंदर के लकड़ी में कैसे तेल लगा दिया कैसे जाएगा, देखिए ये माइनस है ना हुआ माइनस लाना है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और 40 लाना है तो 40 लाने के लिए क्या करेंगे इसमें 20 से गुना कर देंगे तो माइनस चालीस एक्स हो जाएगा। अब फिर माइनस 20 से इसमें भी तो गुना करना पड़ेगा तो माइनस गुने प्लस हो जाएगा आपका प्लस या माइनस, अब 20 चौथा हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए क्या प्लस, ये तो कट गया और ये यहाँ पे प्लस 80 उतर गया, अब नहीं लगेगा क्योंकि अभी में एक्स है नहीं और इसमें एक्स है अब नहीं लगेगा ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वो सवाल मिल गया जिसमें बहुत अच्छा से भाग लगा है और ये भी सीखने को मिला कि अगर एक वो रहेगा तभी हम भाग लगाएंगे कोई दिक्कत इसे नहीं होगा, चलिए ये भी हो गया खड़ा हो पाऊंगा किसी को भी उतारना अलाउ नहीं है क्लास में कोई सवाल नहीं उतार सकता है, हम चेक करेंगे थोड़ा चेक करेंगे जो नहीं बनाया वो पहले खींचेंगे तब ना नहीं कर सुना तुमको बाहर निकलो चलो सवाल उठे बड़े करोगे लिखा है लिखा पहले तू बताओ चलो उठे बड़े बता दिए कि वो पहले वो उतारना नहीं पहले हम क्या करेंगे बता देंगे उसका सबका कॉपी चेक करेंगे जो गलती जो बना कर उसको पहले छूरेंगे उसका उतारने के लिए हम देंगे तभी हम क्या करें उतारिए मगर आप घर से बना के लाए हैं कि नहीं आए पूरे के लाए पता तो नहीं ना हमको तो आप आए धर्मशाला थोड़ी ना यहाँ पे आके बैठ गए हो गया पापा जी बड़े उम्मीद लाके भेजते हैं कि बेटा हमारा पढ़े गए बा बेटी हमारा पढ़े गए बा तो यहाँ उम्मीद में पानी फेलेगा थोड़ी ना फेले देंगे हमें। देखो छ यहाँ लाना है यहाँ प्लस टू है तो यहाँ पे लगा देंगे हम तीन, पावर यहाँ दो है यहाँ पर एक है तो हम ए लगा देंगे तो तीन दूना हो जाएगा आपका छ, एस के पावर हो जाएगा आपका दो। अब एक वो तो ये है दो रास्ता ना दो में गुना लगाते ये हो गया माइनस तीन कट गया बेचारा, अब ऊपर से उतारेंगे माइनस तीस एक्स तो फिर सोचेंगे कि माइनस तीस कैसे आएगा तो माइनस लगाएंगे और तीस पंद्रह लगाएंगे पंद्रह गुना तीस होता है एक साइड में हरिए है ना तो माइनस तीस एक्स ये हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लस और ये कट गया ऊपर से उतारेंगे सौ अब नहीं करने वाला है तो कोई भी एक्स वाला है संख्या वाला है तो लगने का चांसेस है वो अरे अरे उठक बैठक कर तू कति करे ये नहीं चला का उठा बाहर तू देख नहीं इनकारी बदल बाहर से वो अभी कल बड़ा अच्छा मिल गया तू अब पूरा कति करे वीरे की क्या मार गई तो कल क्या करे बड़ा जाएगा देखे यहाँ पे लाना है वो तू तू लाना है ना और यहाँ पर जो है एक तो अब एक में हम गुना करेंगे कितना से दो से अब फिर बात आ रहा है कि यहाँ पे पावर तीन है यहाँ पर एक है तो कितना लगाएंगे एक्स के पावर दो लगाएंगे अब गुना करेंगे प्लस गुणे प्लस तो टू एक्स क्यू प्लस गुणे प्लस प्लस दो में एक से गुना करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस यहाँ पे माइनस ये कट गया इसको अब घटाएंगे वो देखो यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर है माइनस का तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या दो में से घटेगा वो तो एक हो जाएगा
अब यहां से आप उतारेंगे माइनस टू एक्स, अब फिर हम देखेंगे एक भैया आपको लाना है माइनस, तो माइनस लाना था माइनस लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर लाना है एक सही है तो एक्स लगा दीजिए हो गया, तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस गुणे प्लस माइनस, और एक में गुणा करेंगे तो एक्स ना रहेगा हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये आपका कट जाएगा, और यहां से उतारेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स में से वो एक्स घटेगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स, ऊपर से उतारना क्यों पड़ेगा, कितना उतारना पड़ेगा माइनस एक उतारेंगे। अब बात आ रही है कि भाग कितना से लगाए, एक से तो नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले तो माइनस लगाना है ना, तो माइनस एक से लगाना होगा, माइनस एक से लगाएगा तो जाएगा माइनस एक, और माइनस में प्लस माइनस फिर वही, और ये बेचारा आराम से दोनों को दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा सिर्फ प्लस, अच्छी बात है करीब ठीक है। देखिए किसी को कोनो प्रॉब्लम है, कोनो बात समझ में ना आ रही है तो आप आराम से खड़े होइए और बेहिचक होके पूछिए, कोई डरने की शर्माने की लजाने की कोई बात नहीं है, जिसको भी दिक्कत होगा हम एक सवाल को 10 बार समझाना पड़ेगा तो समझाएंगे, मगर समझ में आना चाहिए, जिसको दिक्कत है खड़े होकर बेहिचक पूछो, ये मत सोचो कि उसको आ रहा है फर्मा को आ रहा है हम खड़ा होकर पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा मेरा, लोग जान जाएगा हम तो नहीं आता है कमजोर बच्चा, ऐसा नहीं होता है, पूछता वही है जो तेज बनना चाहता है, और आज नहीं तो कल तेज बन भी जाता है। भूत कौन बनता है, जो बच्चा इसमें बैठा हुआ है उसको समझ में नहीं आ रहा है मगर गुटर गुटर ताक रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा कि पूछे, वैसा बच्चा धीरे धीरे भूत हो जाता है, और जब मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है उसे फेल कर देता है, आप लोग जानता है कि वो तो बहुत कमजोर लेकर था, देखने में बहुत स्मार्ट था वह है कमजोर ही, डायरेक्ट मैट्रिक का दिन ही पता चलेगा, मैट्रिक का रिजल्ट का दिन ही, बीच में पता चले भी नहीं करेगा कि भूत है कि तेज है। कल हम मैट्रिक का टेस्ट लिए गणित का परसों, कल उसका रिजल्ट निकला, उसमें 23 को बच्चा है, 33 को बच्चा में से फेल हो गया, क्या लगभग 20 को बच्चा फेल हो गया, देखने में सब तेज तराक है लगता है फेल हो गया 20 को, तो परीक्षा जब होता है पता चलता है ना कितना पानी में हुआ है, तो भी लोगों का टेस्ट हुआ था देखने में लग रहा था होता बच्चा पाता, मगर टेस्ट किया तो पता चल गया कि कितना बच्चा को क्या आ रहा है, तो इसीलिए जब नहीं आता है तो पूछो, और हम बताने के लिए ही यहाँ पे खड़े हैं, हमको इस बात का तरीको गम नहीं होता है कि एक सवाल को 2 बार बताएंगे तो मेरा बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, अभी हम सवाल बता रहे हैं 5 नंबर, अब कोई बच्चा 5 नंबर पूछेगा तो हम 5 नंबर बताते रहेंगे और समय खत्म हुआ तो 5 नंबर पर छुट्टी हो जाएगा, ये कोई नियम नहीं है कि 10 सवाल आगे बताएंगे हम, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसीलिए यहां बैठिए तो एकदम बेफिक्र होकर पूछिए, तो डरने और करने की कोई जरूरत नहीं है, तो शिक्षक जो होते हैं कोई भी उसको आगे जब हम एक से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, पावर 3 को क्यूब करते हैं, प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाता है, और 2 में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो गया और ये कट गया, और ये जो है आपका ये प्लस में हो गया माइनस में, तो प्लस वाला जा रहा है तो 3x² में से 2x² घट जाएगा तो 1x² बच जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3x। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पर एक्स है तो कितना से लगाए, तो पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लाना है, तो हम ए को पावर और यानी एक्स लिख देंगे तो इससे पावर 1 हो गया, वो तो पावर 1 और पावर 1 कितना जाएगा, पावर एक्स की पावर 2, फिर प्लस गुणे प्लस हो जाएगा प्लस, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाने के लिए फिर इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो फिर जाएगा माइनस मिल जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, और ऊपर देख रहे हैं क्या 3x है प्लस में, ये माइनस 2x है, तो 3x में से 2x घटेगा तो ये को x बचेगा वो प्लस में, ऊपर तो उतारने की बात कर रहे हैं तो ऊपर से कितना उतारे, तो प्लस वाले को बच रही है तो ओकरा उतार देते हैं, फिर हम देख रहे हैं कि x लाना है तो x यहाँ हरी है, x लाना है x यहाँ हरी है, तो हम क्या करेंगे एक से गुणा करेंगे प्लस, एक से गुणा करेंगे तो एक से गुणा करने पर कितना होगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक से गुणों में गुणा करेंगे तो उतने रहता है, तो यहाँ अब हो गया तो माइनस हो गया माइनस, और ये कट गया और ये आपका हो गया माइनस, इससे सफल हो गया अपन जैसा होगा ठीक है।
अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ये है कि पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर एक को 1 है, तो पावर हम 2 दे दिए। आई देखो बात यहाँ पे होता है क्या कि जो तुम यहाँ लिखते हो ना, एकरा एहू में गुणा करना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है, इसी को तुमको इसमें गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारा फिक्स है, ये करना पड़ेगा तुमको। कुछ बच्चे सोचते हैं सर इसको इससे गुणा करके इसको क्या करना, क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट है, ज्वाइंट फैमिली में अगर यहाँ पड़ता है भोज खाता दोनों जाता है खाने, और तुम्हारे पापा जी चाचा जी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और तुमको अहिया पड़ेगा समझ का, तो क्या तुम्हारे चाचा जी भोज खाने नहीं जाएंगे, ज्वाइंट फैमिली में है, ए वो से गुना नहीं करता तो दोनों में गुना होगा, अब वो अलग ही अलग है, अलग अलग है तो अलग अलग अभियान देना पड़ेगा उसको। उसी प्रकार से यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली में है तो इसमें गुना करोगे, यहाँ लिखोगे तो इसको फिर इसमें गुना करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा, जो बच्चा सब नहीं करता है। हम भारत का टेस्ट फिर लेने वाले हैं इसलिए बता रहे हैं, कल ही टेस्ट है, इसे ध्यान देखिए। और यहाँ पे ही कट गया और ये जो हो गया आपका माइनस 4x² है प्लस 3x² है, तो ये x² आपका माइनस में हो जाए, क्यों, क्योंकि माइनस लग जाएगा, और 4 को में से 3 उघट गया तो ये होता है, एक तो हम लिखते हैं ना इसी तरीके देते हैं क्या, फिर ऊपर से x उतारेंगे ये वो प्लस, फिर यहाँ देख रहे हैं कि भैया माइनस लाना है, माइनस लाना होता है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे देते हैं, एक्स के पावर 2 लाना है, यहाँ पे पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, वो एक्स लगा दिए तो एक्स के पावर 1 हो गया आपका माइनस पावर 2, माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, और 3x होता है, फिर यहाँ पे चीज बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर कट गया, अब यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह देंगे, 3x में से वो x घटा दिए तो 2x आ गया, फिर ऊपर से उतारने की बारी आ रही थी, ऊपर से कितना उतारे तो ऊपर एक को बतलाइए है कौन, 6 उतार दिए, फिर सोच रहे हैं कि भाई यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ प्लस है तो क्या देना पड़ेगा वहां पे, और 2 लाना है एक्स की तरह में है ये, तो खाली 2 दे देते हैं, 2 दे देंगे तो 2 गुणे एक्स क्या हो जाएगा, और फिर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 गुना क्या हो जाएगा 6, ये देखिए ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में प्लस कट गया, ये प्लस माइनस में कट गया, 0 आ गया है ना। इस प्रकार से हम लोग देखें क्या कि बहुत ही आसानी से सीख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, और अगर आप सीख रहे हैं तो कल टेस्ट देखिएगा तो उसमें आपका रिजल्ट भी बढ़िया आना चाहिए। अब देखिए टेस्ट जो होगा बोर्ड में ही क्वेश्चन लिखेंगे और कॉपी में बनाएंगे, आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा छपा के, ठीक है ना। अब क्या करना है इसमें, ये 3x के पावर 4 है तो अब कैसे हम करें, तो 3 लाना है तो 3 पहले दे देते हैं, पावर 4 लाना है तो यहाँ तक एक है तो पावर 3 दे देते हैं, गुणा कर देते हैं 3 गुणे 3x के पावर 4, फिर प्लस गुणे माइनस, माइनस हो गया 3x³ हो गया, चिन्ह बदलेंगे यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, ये तो कट गया, और ये हो जाएगा आपका कितना माइनस एक्स हो गया, ऊपर से कितना डालेंगे माइनस 3x हो गया। अब हमको पावर यहाँ 3 लाना है, यहाँ पर एक कर लगाएंगे माइनस पावर 2 से, माइनस पावर 2 लगाएंगे तो माइनस एक्स के पावर 3 हो गया, अब माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, अब एक से गुणा करेंगे तो उठने रहेगा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, बच्चा लोग को कहता है कि सर ये कैसे होगा, अब देखो कैसे वही कट गया, अब ये दोनों जुटेगा नहीं घटेगा, काहे नहीं जुटेगा काहे नहीं घटेगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाला है ये एक्स वाला है, कभी जुटेगा घटेगा नहीं आपस में, तो ऐसा जब आता है ना तो पहले स्क्वायर वाला को लिखते हैं फिर एक्स वाला को लिख देते हैं, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, जब भी ऐसा आएगा दोनों को अलग अलग लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, आप बस एक्स स्क्वायर को लिख देंगे पहले, और फिर इसको लिखते माइनस 3x, आप ऊपर से उतार सकते हैं माइनस 1, मगर अभी जरूरी नहीं है, क्या कहते हैं दुई को हरिया है तो दुई को ना कटेगा बाद में, है ना, चाहे फिर उतार दीजिए ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है तो उतार दीजिए, आपका मन है ऊपर से उतारने में कोई रोक छोक यहाँ पे नहीं रहता, आपको पूरा मन उतारने का पूरा उतार सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये अंक गणित नहीं है, बीज गणित है,
ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाना है पावर टू और यहाँ पे लाना है माइनस, तो माइनस दे दिए, ये वो पावर एक्स लिख दिए, तो माइनस एक्स के पावर टू हो गया, फिर माइनस गुणे माइनस हो गया आपका प्लस एक्स हो गया। अब उसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा आपका प्लस हो गया माइनस, ये तो कट गया, आइए आपस में टूट गया, तीन एक चार, माइनस में चार एक्स हो गया और माइनस थ्री। अब बात आ रही है कि भाई एक्स वाला तो अभी है, अभी कटेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस चार, क्या लगाएंगे माइनस चार, तो माइनस गुणे बोला तो माइनस चार एक्स और माइनस गुणे माइनस चार गुणे एक चार। ध्यान से देख रहे हो, जो यहाँ हम लिखते हैं उसी को यहाँ दोनों में गुणा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, कुछ बच्चा इसमें बहुत बड़ा गलती करता है क्या, कि वो यहाँ लिखेगा और यहाँ पर एक ही गुणा कर यहाँ लिखेगा, ऐसा कर लेगा पूरा 100% गलत बनेगा, प्लस माइनस कट गया आपका और ये आ गया माइनस पांच, विशेषफल हो गया और भागफल हो गया, ठीक है। मिलाने की जरूरत नहीं है, मिलाने के समय देंगे प्रदू फेंकने के बाद। 9 नंबर क्वेश्चन, ये कितना हवाई होता है, होता क्या है कि कुछ इससे बच्चा ऐसा लफंगा है, वो समझता बड़ा बढ़िया है, शांति से बैठा सीख भी रहा है, वह घर जाके बनाएगा नहीं, आदत नहीं ना पढ़ने का, तो उसको आदत पकड़वाने के लिए छोटा माइसिन लगता है, इसको कहते हैं इसका दवाई का नाम है छोटा माइसिन। जब दूध डंटा लगता है हाथ पर चार डंटा तो दिमाग नहीं चला, दूध डंटा लगता है पैर पर तो दिमाग ही नहीं लगता पड़ता, उल्टा बड़े हाथ ज्यादा में माइसी करता है तो उल्टा बड़े मारते हैं, उल्टा बड़े बुमरा खुल जाता है इसे, बुम तो घर कहना करता अपने केयरफुल नहीं है, वो केयरलेस है, जिसको इतना भी परवाह नहीं है कि होमवर्क क्या होता है, उसको होमवर्क बनाने से ताल्लुकात ही नहीं होता है, ऐसे बच्चों को यही हाल करना चाहिए। और कुछ बच्चे तो आज आ गए सर हर दिन बनाते हैं, आज ही नहीं बना बच्चे हैं सर, बड़ी गड़बड़ा गया, कल से बना के लाएंगे, हफ्ता में कल से नहीं पीटेंगे, आज तो पीटेंगे, गलती करते हो तो माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं माफ, गलती का सजा सिर्फ सजा, माफी नहीं, माफी करने से लोग समझ लेता है कि सर जी का काते नहीं है मारने का, इसको समझ में आना चाहिए कि आप सरकारी टीचर नहीं है, हमको जवाब नहीं देना पड़ेगा सरकार को कि कितना पीटे हैं। और हम इनको गुस्सा में नहीं बोल रहे हैं, गुस्सा आ गया सर जी पीटना शुरू कर, नहीं हंस हंस के पीटेंगे हम, हमको तो इनको दुख नहीं होगा, तब आपको दुख नहीं है तो कल हमको काला दुख होगा, होता है जब गुस्सा आ जाओ और सबके पीट के लोगों ना, हम हंस हंस के पीटते हैं, लगला ठीक है, हाँ गुस्सा के पीटे वाला काम क्यों ना करते, ए हमको आपको पता नहीं है तो जान लीजिए हमको गुस्सा आता नहीं है, जब कभी आ जाता तो फिर जाता भी नहीं, तो जल्दी आता ही नहीं है, मेरी बात है हमको गुस्सा नहीं आता, हम शांत मगर गलती करिएगा तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही, नो डाउट। देखिए पावर यहाँ तीन लाना है, पावर यहाँ एक है, तो पहले क्या कीजिए, पावर यहाँ पे लगा दीजिए दो और यहाँ पे लगा दीजिए एक, तीन हो गया, इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सवाल जानते करते कैसे बनता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस कट गया, तीन बड़ा यहाँ उतरेगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन। अब दिमाग ये लगाना कि माइनस कैसे लाए, तो माइनस लाने के लिए माइनस एक्स बार लाने के लिए एक्स, एक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुणे प्लस माइनस एक्स, फिर बदलेंगे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये उतरेगा एक्स प्लस वन, एक्स लाने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा वन प्लस वन से, इसमें गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वन और ये बेचारा पूरा स्वाहा हो जाएगा, कट के जीरो दे देगा, ये था 9 नंबर, ठीक है। अगर लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, तीन लाना है, क्या करना है वो, अरे इधर देखो बनाने के चक्कर में, तीन लाना है,
पावर लाना है x के पावर 2, x के पावर x में दिया, 3x के पावर 2 प्लस गुणे प्लस प्लस 3x, फिर बदलेंगे माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे जाएगा माइनस 2x माइनस 1, माइनस 2 लाना है तो माइनस 2 माइनस 2x माइनस गुणे प्लस माइनस 2 प्लस प्लस, ये हो गया कट गया और ये हो गया आपका प्लस 1, ये हो गया आपका, ठीक है बुआ, ठीक।